हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। पनीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि इसे प्याज को बॉयल करके इसमें कुकर में डाल के एक सीटी लगा लिया। पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रहा हूँ उसमें, सिर्फ एक चम्मच तेल और नमक डाल के इसे कुकर में एक सीटी लगा लेना है। उसके बाद से इसमें मैंने मिक्सी में पीस लिया है, इसमें है 12 से 15 कली लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा। तड़का के लिए मैंने लिया है लाल मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी और लौंग। आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं आप ले सकते हैं। अब मैं इस पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में कट चुकी हूँ और इसे फ्राई करूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैं पनीर को डालूँगी और फ्राई करूँगी। फ्रेंड, पनीर को फ्राई करते समय हमेशा ये ध्यान रखेंगे पनीर ज़्यादा फ्राई ना हो, नहीं तो टाइट हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से फ्राई होने के बाद इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पनीर को, इस तरह से पनीर को सभी को फ्राई कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाल नहीं हुए, इसी तरह से हल्का हल्का गोल्डन हो चुके हैं। अब जो तेल बचा हुआ है उसी में मैं डालूँगी ये जो मैंने सारे खड़े मसाले लिए थे और जीरा, लाल मिर्च, ये सभी को इसमें डालूंगी। और ये जो मैंने बॉयल किया हुआ प्याज है इसे डालूंगी। प्याज को इसलिए बॉयल कर ले हैं ताकि जो प्याज का ग्रेवी बने वो खाना खड़ा ना रहे, बिल्कुल गल जाए, इसे अभी लाल होने तक भूनेंगे। थोड़े से भूनने के बाद इसमें मैं जो मसाले, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बनाया है उसे डालूंगी, लेकिन अभी पहले इसे भूनूंगी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को भूनते ही 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो पेस्ट बनाई थी, अदरक लहसुन और काली मिर्च का। इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें डालूंगी टमाटर ताकि जो टमाटर है ये भी गल जाए साथ में ही। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए। अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर डाल के मुझे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सारे और गर्म मसालों को। नमक स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स, प्याज में भी नमक डाली हूँ तो इसलिए थोड़ा हिसाब से। हल्दी 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच। इन सभी मसालों को 5 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज हल्का सा मॉइस्चराइज है इसलिए
पानी अभी एक दो बूंद ही डाले हैं ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से भून जाए। मसाले को लाल होने के लिए 5 मिनट लग ही जाएंगे। 5 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है काफ़ी अच्छी आए। मसाले को भूनते ही 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाले भून कर बिल्कुल लाल हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला। गरम मसाला या मीट मसाला आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। मसाले के साथ में ही 1 मिनट के लिए इसे भून दे रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर। पनीर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और कितनी बढ़िया पनीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।